हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शशि गुरुंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि अगर कोई न्यू फैकल्टी ज्वाइन करता है तो उस केस में हम उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और उसके बाद उसकी सर्विस बुक में हम डिटेल्स एंटर करते हैं HP2 के ERP पोर्टल पर। बट अगर कोई न्यू एम्प्लॉय दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में हम अगर उसको ऐड करने की कोशिश करें प्रीवियस ईमेल आईडी से जो कि उसके प्रीवियस कॉलेज में ऑलरेडी ऐड है, उस केस में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बजाय आप उस कॉलेज के ERP कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट करके उस एम्प्लॉय के अकाउंट को जो कि वहां क्रिएटेड है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो ERP कोऑर्डिनेटर है, अगर किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र होती है दूसरी जगह तो कैसे वो उस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ERP पोर्टल में। तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल आईडी है उसके थ्रू लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद हेड एडमिन में जाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर हेड एडमिन है। हेड एडमिन में जाकर पोस्ट पर क्लिक करना है और पोस्ट एंड रोल कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर सर्विस बुक के बाद यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि एकेडमिक वाले में सारे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन शो करता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन चूज किया है। तो आपको चेक कर लेना है कि कहाँ पर सारे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है और उसके बाद आपको पोस्ट टाइप टीचिंग सेलेक्ट करना एंड देन जो भी हो असिस्टेंट है या एसोसिएट है या प्रोफेसर हो तो यहाँ आप उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना, सपोज करो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफ़र रिलीव, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम। तो अगर आप इंस्टीट्यूट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जगह है जैसे नगरोटा। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ये कॉलेज। अगर मैं प्रगति की बात करूँ तो यहाँ पर ये कॉलेज आ रहा है, अटल बिहारी। और अगर मैं कोटला जूरी करूँ तो उस केस में ये महात्मा गांधी कॉलेज आ रहा है। बिलासपुर का यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हो तो उस केस में जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो इंस्टीट्यूट लेवल पर दिखता है। लेकिन इंस्टीट्यूट लेवल पर जैसे डायरेक्टर्स हो गए, इनकी इंफॉर्मेशन को आपने ट्रांसफ़र करना है। बट हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम लेवल पर करना है। तो प्रोग्राम लेवल पर करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो ये कैंपस है इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल जूरी में ट्रांसफ़र किसी का हो गया है तो इस केस में यहाँ पर आप उस जगह को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पर जो कॉलेज है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल सिविल, तो यहाँ पर एकेडमिक है तो यहाँ आप एकेडमिक में भी इसको ऐड कर सकते हो। एकेडमिक में वैसे सबका डिटेल्स होता है तो आप एकेडमिक में कर सकते हैं और एकेडमिक में करके आपने ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ के जो ERP कोऑर्डिनेटर है उनको यहाँ पर जाना है, एम्प्लॉय पे जाकर यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स पे जाना है और यहाँ पर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र केस पे क्लिक करना है। तो जो उस कॉलेज के ERP कोऑर्डिनेटर है वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी डिटेल आएगी जिस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया और यहाँ पर जो ये टिक है इस पर क्लिक करना है। तो ये जो आप टिक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप मैसेज देख सकते हो एक्सेप्ट
ये एक्सेप्ट हो जाएगा जो उस कॉलेज का जो ईआरपी कोऑर्डिनेटर है, तो उसके वहां पर एचपीटू के ईआरपी पोर्टल पे एम्प्लॉय देखना शुरू हो जाएगा। तो वो कैसे देखना है, तो उसके लिए अगेन यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उस कॉलेज में जिस कॉलेज में एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है। अब वहां के जो ईआरपी कोऑर्डिनेटर है वो क्या करेंगे, जो प्रीवियस कॉलेज के ईआरपी कोऑर्डिनेटर है उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने जैसे ट्रांसफर पर क्लिक किया उनका काम खत्म हो गया। अब जो करंट कॉलेज है जहाँ पर एम्प्लॉय ट्रांसफर हुआ है, तो उस केस में जो ईआरपी कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पर एम्प्लॉय पर सॉरी पोस्ट पर जाकर पोस्ट रोल कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ एकेडमिक सिलेक्ट कर रहा हूँ, एकेडमिक में सभी एडेड है, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके आपको यहाँ पर सर्च करना उस एम्प्लॉय का नाम। जैसे आप उस एम्प्लॉय का नाम सर्च करेंगे आपको वो वहाँ पर नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर उसका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखना शुरू हो जाएगा तो आप समझ लेना वो आपके अकाउंट में, आपके कॉलेज में एचपीटू के ईआरपी पोर्टल में एडेड हो गया है। अगर आप उसको किसी और डिपार्टमेंट में भी एसोसिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर एसोसिएट योर एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हो और यहाँ पर टिक करके आप यहाँ पर उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके अदर डिपार्टमेंट्स में भी ऐड कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो। तो अगर यहाँ आपको ना दिखे तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि कई बार जो प्रीवियस कॉलेज के ईआरपी कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कभी कभी इंस्टीट्यूट लेवल पर भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट लेवल पर भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो उस केस में आप यहाँ पर एम्प्लॉय अपलोड पर जाकर इंस्टीट्यूट जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दो ऑप्शन है उनके लिए, या तो ईआरपी कोऑर्डिनेटर इंफॉर्मेशन को ऐड करें, पर उस केस में हमारे पास जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, तो उससे बेस्ट है कि आप उस अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा दो उस कॉलेज के ईआरपी कोऑर्डिनेटर को कॉन्टैक्ट करके, और जो जिस कॉलेज में वो ट्रांसफ़र हुआ एम्प्लॉय तो वहाँ का जो ईआरपी कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्ट करेगा और वो उसके अकाउंट में शो करना शुरू कर देगा। अदरवाइज अगर शुरू से ऐड करेंगे सो इट विल टेक मोर टाइम। तो आई थिंक इस वीडियो में क्लियर हो गया है कि कैसे हम एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, और बिना इंफॉर्मेशन ऐड किए हम उसको एचपीटू के ईआरपी पोर्टल में शो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।